आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ोतरी व राज्य कर्मचारी घोषित करने जैसी तमाम ज्वलंत मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर है और लगातार आंदोलनरत है। इसी कड़ी में तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां तहसील परिसर पहुंची, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और 18,000 रुपए मानदेय के साथ काम करने के दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है तो सरकारी सहायता और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। साथ ही मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को समान कार्य के लिए समान और समय पर मानदेय दिए जाने की भी मांग रखी। समय समय पर भवन करना दिए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने नंदा गौरा योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की बेटियों को भी लाभ दिए जाने की मांग रखी है। किसी की अगर कोई मौत हो जाती है या कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए सरकार कंपेंसेशन करे उसके, और उसको मतलब इतना तो सक्षम करे कि उसका परिवार उसके बिना, क्योंकि यहाँ आंगनवाड़ी में जितनी भी हमारी कार्य करती हैं सब या तो विधवाएं हैं या परित्यक्ता हैं, क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग ही ऐसी लोगों को मिलती है। आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्युटी चिकित्सा जैसी सुविधाओं को भी सभी कर्मचारियों को दिए जाने की मांग रखी गई है। आज की तारीख में सरकार जो हमें मानदेय दे रही है वो दो तरह से, केंद्र सरकार से हमारा 45 और 3,000 हमारा राज्य सरकार से मिलता है, जो कि एक महिला के लिए उसमें घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम काफ़ी टाइम से सरकार को अपने धरना प्रदर्शन द्वारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गुंगी बहरी सरकार हमारी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। डोईवाला से आशीष यादव, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।